हम लोग आ गए फिर से अब हमारे किचन में और आज हम लोग बनाने वाले बैंगन का भरता। तो आज आप लोगों को मिलेगी बैंगन के भरते की रेसिपी। एक टांग की मुर्गी, एक टांग का मुर्गा क्या था? बाप रे, ऐसे इससे पहले मालूम कितनी बार ऐसा हुआ, शहद की मक्खी ऐसा आई, वो तो ये तितली है, तितली है, तितली है। हमने लो एक, हमने एक चाहना भाई, भागना इधर से, फ्रूट नहीं है वो, बैंगन है वो। बैंगन के भरते की रेसिपी, ठीक है? तो सबसे पहले आप, हम इसको वॉश कर लेंगे बैंगन को अच्छी तरह से। ये तंग क्यों कर रही पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो क्या चाहिए इसको? ओ तुम चाहिए उसको। सुनियारा क्या बुरी, मैं तुमको बुला रही हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, वो पिक्चर था ना सलमान खान को, वो चिट्ठी भेजती कबूतर के पास, तुमको कोई तितली के जरिए कुछ भेज रहा था नहीं ना? पता नहीं, इतनी भारी चिट्ठी में कर पड़ेगा, मुझे वो लगाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, कुछ लिख के भेज रहेंगे। तो सबसे पहले बैंगन को जो है ना हम भून लेंगे, ठीक है, गैस पे। और ये मेरा बनाने का तरीका है, ठीक है, सबका तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, वेडिंग साथ सबका तरीका थोड़ा अलग होता है बनाने का। मैं इस तरह से बनाती हूँ और काफी अच्छा भी बनता है, यम्मी यम्मी बनता है। उस दिन भी मैंने बनाई थी, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मैं इसको ना बाहर करती हूँ, तुम्हारी ये क्या बोलते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भेजी है शायद, रुक जाओ, ये जा भाई, ये मेरा हस्बैंड है, जा तू यहाँ से, जा जा जा। ज्यादा तंग करी, बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बात है शायद, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गई 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 गई, बंद कर दू, थोड़ा देर बंद कर देती, यहाँ का रास्ता भूल जाएगी तो कुछ नहीं आएगी, ठीक है। अरे मोबाइल डालते क्या अभी चूल्हे में? हाँ नहीं तो बावले ही था, बावले तुम, बावले क्या? मैं ना बावला हूँ। किसके पैर में बावले? तेरे प्यार में। नहीं नहीं, वो आई थी ना अभी, पागल हो गया तेरे प्यार में, तो देर हो जाएंगी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये दो बैंगन को ना इधर रख लेती हूँ, बस ना बहुत ज्यादा मोड़ गया, इसके पास मत लेके जाओ कैमरे को। तो दो बैंगन को ना इस वाले गैस पे रख लेती हूँ, और मेरे पास एक ही जाली है, दो जाली नहीं है मेरे पास, जो बड़ा वाला बैंगन है उसको रखती हूँ, क्योंकि ये छोटा वाला यहाँ से गिर जाएगा, है कि नहीं? तो अब मैं क्या करती हूँ, कांदा टमाटर इसको काट लेती हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, और मैं एक तरीके से नहीं बनाती हूँ, तीन चार तरीके से बनाती हूँ भरता, ठीक है? तो आप जिस तरीके से बनाते हो आप लोग मुझे बताओ, और मैं जो बना रही हूँ आप लोग उसको ट्राई करना, देखना ट्राई करके, इतना मस्त बनेगा, अमेजिंग एकदम, उंगलियां चटते रह जाओगे उंगलियां, है कि नहीं? सही बोली ना, क्या हुआ, याद आ रही संदेशी की, याद आ रही तितली आई थी तो? अच्छा देख रही इधर उधर इधर उधर। हाँ आप लोग सोच रहे हैं मैं इतना मेकअप करके क्यों वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली मैं रील बना रही थी इंस्टाग्राम पे, फिर उसी के साथ साथ फिर वो हो गया बनाने का, तो मैं बोली चलो भरता बना रही हूँ तो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? और दूसरे एक दो ऐप के लिए भी वीडियोस बना रही थी मैं, शॉर्ट वीडियोस। नहीं अगर इसने मुंह धोली होते ना तो आपने, आपको पहचाने भी नहीं आती कि आफरीन है कौन है। ऐसा तो आफरीन है कौन है, मेरे जो व्यूअर्स है ना, अगर मैं महीना भर नहीं भी नहाऊंगी तो पहचानेंगे। तो भी ऐसा होंगी ना, ऐसे अच्छा बाल वो नेगरो लोग के जैसे फैले वाले, अरे पागल, तो पहचानेंगे कि हमारी आफरीन है। अब तू नहाएंगी नहीं महीना भर तो बास नहीं आएंगी तेरे में, कैमरे में से थोड़ी ना बात आएंगे वो लोगों को। अब कोई मिलना है तुझे तो, कोई रास्ते में मिल गया तो सब्सक्राइबर भी नहीं खाऊंगी ना, तो भी बात नहीं आएंगी मेरे पास, समझे क्या? हां सब लोग बोलेंगे अरे बाप रे, तो अब अरे चुप बैठो तुम भी ना। मेरे व्यूअर्स ऐसा मेकअप विकअप से पसंद नहीं करते मुझे, मैं जैसी हूँ ना सादी सिंपल वैसे ही मुझे पसंद करते है कि नहीं? सही बोली ना, आप लोग बताना कमेंट करके मैंने सही बोली गलत बोली। आई बड़ा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं पसंद करेंगे, वो जो है ना यू तुम्हारे प्यार में हो गई हो। कौन? अरे वही, क्या नाम इसका, अरे वो क्या नाम इसका, अरे एक हुई तो बताऊ ना मैं, बेशरम कहीं के। तो यहाँ पर मैंने कांदा काट लिया, बहुत बहुत गर्म हो रहा, एक तो पहले से एक खिड़की बंद रखी मैंने, क्योंकि ये जल्दी गैस पर होता नहीं, टिश्यू पेपर रखी हूँ यहाँ पर निकाल कर, मेरे को ना इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे मेकअप निकल रहा है। पहले ना
इसको खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी मेरे को, जैसे मैं रखती थी कुछ फ्राई करके, लेकिन अब मैंने रखना छोड़ दिया इसमें। अब मैं बटर पेपर लेकर आऊंगी क्योंकि इसमें चिपक जाता है, ये मैंने आजमाया है। तो ये सिर्फ मैं हाथ मुंह पोछने के लिए रखती हूँ अभी। हाँ, हाथ मुंह पोछ के धीरे धीरे मेकअप निकल जाएगा, फिर आप लोग कमेंट करेंगे आफरीन कहाँ गई, ये कौन आ गया, ऐसा नहीं बोलेंगे जी, चुप बैठो वाला। तो देख तू कमेंट आएगा, तू ना ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो एक कांदा है जिसको मैं चॉप कर रही हूँ, और तीन हरी मिर्ची है, आप चाहे तो दो भी ले सकते हैं, स्पाइस मतलब आपके हिसाब से, ठीक है। आप चाहे तो इसको उबाल कर भी बना सकते हैं, बहुत लोग उबाल कर बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बनाना पसंद है, भून करके और अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो मैं आप लोगों को अगली बारी बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक। अभी फिलहाल के लिए इस वाली रेसिपी को ट्राई करना, ये हमारी देसी रेसिपी है, देसी गांव की रेसिपी है। और गांव वालों के ऊपर कुछ भाषण देना है मुझे, वो मैं आप लोगों को ना बाद में बताऊंगी, ठीक है, वो कोई और वीडियो, उन लोग के ऊपर तो पूरा वीडियो बनाऊंगी मैं, गांव वाले लोग के ऊपर, ठीक है, वो आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में मिलेगा। आप लोग जानना चाहते हैं क्या मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताओ। वैसे मेरी रेसिपी काफी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन मैं कितने बार बोलती हूँ मेरे को इंस्टा पे पिक शेयर करो, लेकिन कोई करता नहीं पिक शेयर, कि मुझे बताओ आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने ट्राई की तो, है कि नहीं, है कि नहीं जी। सही। तो चलो फिर ये बैंगन जब भून जाएगा ना, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ा देर में, अभी थोड़ा टाइम है इसको भूनने के लिए, क्योंकि हमको ना इसको अच्छी तरह से भून लेना है, कच्चा नहीं रखना है ज़्यादा, ठीक है, अच्छी तरह से जला लेना ऊपर से, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, है कि नहीं। लेग पीस, छह लेग पीस है, अच्छे से भून रहे हैं उसको बिना मसाले के, मगर ये लेग पीस में ऐसा है कि मसाला बाद में लगाएंगे। चलो मिलते भूनने के बाद जाएंगे। ज्यादा बड़ा बना के वीडियो, तो ज्यादा बड़ा नहीं करने का ना। तो बैंगन हमारे भून चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छी तरह से जल चुके ऊपर से, तो अब हम इसको बारी बारी निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ओके। इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, ठीक है। और अब है ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, या तो अगर आप निकाल सकते हो इस तरह से, मतलब गरम गरम में, तो आप कोशिश करें, ठीक है, निकालने की, मगर मुझे नहीं लगता आप लोग निकाल पाओगे। थोड़ा सा देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऊपर से ना इसके छिलके निकाल लेना है धीरे धीरे करके, तो बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़े निकालना है जो ज़्यादा जल गए हैं, ठीक है, और थोड़े रहने देना है, पूरे निकालेंगे तो फिर पूरा टेस्ट भी इसका चला जाएगा, तो भुना हुआ टेस्ट भी आता है इसके अंदर बहुत अच्छा। ये देखो ये भुना हुआ बैंगन का ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ, अभी मैं अपने हाथों से निकाल रही हूँ इसको, हाथ जला। तो क्या होता है पता है, ये भुना हुआ जो टेस्ट आता है ना, इसी एकदम गांव वाली फीलिंग आती है इसमें, गांव वाला जबान पे टेस्ट आता है भून के जो बनाते हैं, तो भले ही वो चूल्हे पर भून के बनाते हैं उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा ही कम होता है 19-20, लेकिन वैसा ही लगता है खाने में, है कि नहीं। तो चलो मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ, है ना। तो मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर, और इसके अंदर डाल देंगे हम 2 से 2.5 चम्मच तेल, ठीक है। ये मैंने 1/2 किलो बैंगन लिए थे 250 ग्राम, है ना। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं कांदा चॉप किया हुआ, सबसे पहले सबसे पहले कांदा डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मैंने सोचा कि ये दोनों काम एक साथ कर लेते हैं ना, जैसे बैंगन भी छिलना हो जाएंगे और हमारा कांदा भी जब तक भून जाएगा, है कि नहीं। तो बैंगन इधर मैं अभी छील रही हूँ, अभी हुआ नहीं बैंगन छील के। गाँव में ना मतलब कैसा होता था मालूम, मेरी मम्मी बहुत बनाते थे, मेरा अब्बा भी बनाते कभी कभी, और मेरी दादी थी ना वो भी बहुत बनाते थे इस तरह के भुर्ता वगैरह, ये वो उनको तो पता नहीं क्या क्या डिश बनाने आती थी, जैसे गांव के स्टाइल में मतलब बहुत अलग अलग डिश बनाते थे, बहुत अच्छी, और उनके हाथ में ना इतना स्वाद था ना माशाल्लाह,
एकदम लजीज खाना बनाते थे, स्वादिष्ट। तो ये देखो इस तरह से मैंने निकाल लिए, बहुत ज्यादा भी नहीं निकाले। ये देखो जो ज्यादा जले हुए ना वो निकाले बस, ऊपर ऊपर के जो एकदम जाड़े हो गए ना जल के, ठीक है। साथ ही साथ इसको भी ध्यान देंगे, इसको भी चलाते रहेंगे, इसको भी भूलना नहीं है हमको। ऐसे नहीं कि वो बना रहे तो इसको भूल गए, छोड़ दो इसको, ऐसे नहीं। तो अब आती है हमारी मेन काम। अभी हम क्या करेंगे, इसको एकदम कॉर्नर से एकदम कट कर देंगे, ठीक है। ये देखो टांग काट देंगे मुर्गे की आप, ठीक है। ये सिर्फ हम दोनों के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं है, ये सिर्फ हम दोनों के लिए। तो अब डाल देंगे हम इसको ग्लास में, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। हाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, स्वाद अनुसार। अब इसको थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट भी हो जाए ऐसा, और मिक्स हो जाए थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। उस दिन भी ये इतना ही बना था, लेकिन बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कांदा कितने अच्छे से मतलब भून गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये जो हरी मिर्ची हमने कट करके रखी है ना, ये हम इसमें डालेंगे। तो मेरे अंदाजे से पूरी मैं सोची हूँ नहीं डालूँ, तो मैंने आधी इसमें डाली, मतलब दो हरी मिर्ची करीब मैंने इसमें डाल दी, एक रख दी, क्योंकि बाद में मेरे को ध्यान में आया क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ नहीं खाते हैं तीखा, ठीक है। अब हम निकालेंगे फ्रिज में से, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अभी नहीं बाद में पूरा एक साथ में वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके। थोड़ा सा और डाल देती हूँ पेस्ट के लिए, और तुरंत इसको फ्रिज में रख दूंगी मैं, क्योंकि बाहर रखने पे काला हो जाता है, बदमाश है बहुत ज़्यादा। और आज जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम ताज़ा मैंने पीसी ना, तो बहुत अच्छा इसमें मतलब बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब डाल देंगे हम इसमें कड़ी पत्ता, और साथ ही साथ अब डालेंगे हम इसमें थोड़े मसाले। तो ये है घर का कूटा हुआ मसाला, ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चम्मच मतलब पूरा भर के नहीं डाला मैंने, पहले थोड़ा सा डाली फिर थोड़ा सा और इसके बाद डालेंगे यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, गांव में तो कश्मीरी लाल मिर्च नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल रही हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला। उस दिन मैंने बनाई थी, इनको बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की जाए, है कि नहीं। उन्होंने बोले फिर रेसिपी भी बना देना चाहिए था ना, मैंने बोले कि नहीं मैंने रेसिपी नहीं बनाई, बोले ठीक है नेक्स्ट टाइम बना देना। अब डाल देंगे इसमें टमाटर, और इसमें से थोड़ा धनिया डाल देंगे, थोड़ा रख देंगे बाद में फिर गार्निशिंग करने के लिए, ठीक है। मैंने कहा थी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बने, इसके लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये है ना मैंने क्या किया, वो आई थी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसने नचवाई पहले, हाँ वाह। चलो अब इसको ना थोड़ा ढक के रख लेंगे हम थोड़ा, अरे हाँ एक चीज़ तो भूल ही गई, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जीरा, थोड़ा सा डालना है एक्चुअली, इसको पहले डालने का था लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं बाद में भी डालते हैं। अब इसको एक से डेढ़ मिनट ऐसे ढक के रख लेंगे टमाटर थोड़े से गलने तक, तो चलिए फिर टमाटर गलने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँ। एक से डेढ़ मिनट हो चुका है, तो हमारे टमाटरों को चेक कर लेते हैं गले या नहीं, है कि देखो बीच में मैंने एक बार इसको चेक की थी, ठीक है। बीच बीच में चलाते रहे ना चेक करके एक दो बार, ऐसा नहीं कि एक बार ढक लिए तो देखना ही नहीं इसको बाद में, फिर नहीं तो जल जाएगा फिर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ये बैंगन का भरता सारा का सारा, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिर्ची कम हो गई है, टेस्ट करके देख लेंगे, अगर मिर्ची थोड़ी कम लगेगी तो हम तो ये जो मिर्ची हमने कट करके रखी है वो इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसको साफ करके डालना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं ग्लास में कुछ भी, ठीक है। छोटा नहीं अच्छे से डालिए,
आप देखो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं, देखो इस तरह से एकदम अच्छे से मैश कर लेना इसको। जब मैं सऊदी में खाना बना था ना तो फिलीपीन है ना, फिलीपीन में वो लोग आते थे तो लोग मसाला नहीं खाते ना वो लोग, वो लोग खाली उबाल के खाते हैं, नमक और नमक डालते बस, सब नमक की नमक डालते और कुछ नहीं डालते, हल्दी मिर्ची मसाला गरम मसाला कुछ नहीं। तो जैसा खुशबू आती थी ना खाना बनाने की तो बोले खाजा गुड, हाँ गुड स्मेल, हाँ गुड स्मेल, हाँ खाते नहीं थे वो लोग, क्यों नहीं खाते थे मसाला लोग को जमता नहीं था वो लोग को, कैसे मालूम गया फिर वो लग जाता था बाथरूम एक ने खाया था। अच्छा। मसाला लोग खाते कभी नहीं खाते ना। अच्छा। तो वो लोग का पेट खराब हो गया था। अच्छा। तो मैंने ना बची हुई जो हरी मिर्ची और धनिया था वो भी इसमें डाल दी, अब हम इसको ढक के नहीं पकाएंगे इसको, ऐसे लो मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक इसको पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। और फिर हमारा भुर्ता तैयार है, नमक चख लीजिएगा आप अपनी सब्जी में, मैं अपनी सब्जी में चखती हूँ। एक नंबर बना है भुर्ता, और ट्राई करना, और मुझे यकीन है कि आपके घर वाले उंगलियां ना चाटते रह जाए तो मेरा नाम बदल देना सही में, लेकिन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। मैं भुर्ते की तारीफ कर रही हूँ अपनी नहीं, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो चलिए फिर, अब भरता तो हमारा बन गया है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई अच्छी रेसिपी या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर, चैनल उसको अप्रिशिएट कीजिए मेहनत को, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ, है ना। तो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे फिर वापस।